गिरनार के बाद हम सोमनाथ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के उपरांत हम सोमनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। ये देश भर की 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर की तट पर स्थित है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्रेय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इंडियाज आयरन मैन एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन November 13, 1947 प्रोमिस्ड टू रिबिल्ड द टेम्पल। टुडेज सोमनाथ टेम्पल इज बिल्ट ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस इन सेवंथ प्लेस। When the temple was rebuilt on December 1, 1995, then the Indian President Dr. Shankar Dayal Sharma dedicated the temple to the country. In 1951, when India's first President Dr. Rajendra Prasad opposed to purify Jyotirlinga, he said, "This temple of Somnath is a symbol of victory or construction on distraction." Somnath Trust की दो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें हैं, लीलावती और माहेश्वरी, जिनमें रहन सहन की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। सोमनाथ ट्रस्ट की पार्किंग है और अभी कुछ देर में हम त्रिवेणी महासंगम पहुंचने वाले हैं। हाँ, मैं मेरे पति के साथ संगम में आई हूँ। दोस्तों, अभी हम सोमनाथ के संगम में खड़े हुए हैं। सोमनाथ का संगम में जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही नदियाँ यहाँ पे एक जगह आके मिलती हैं। ये भी एक पवित्र स्नान है। यहाँ पर भी स्नान करने से इंसान को दोबारा इंसान के योनि में नहीं आना पड़ता। और आप देखिए, अब ये त्रिवेणी संगम है। कुछ लोग यहाँ पे घाटों पे स्नान कर रहे हैं। और ये नदी, ये त्रिवेणी एक नदी वहाँ से आती है, इधर से आती है और यहाँ आके पूरा घाट बन जाता है। वो तीनों ही नदियों का समावेश यहाँ पे होता है और सरस्वती है वो समुद्र से यहाँ घुस जाती है। अभी आगे घाटों को थोड़ा नजर कर पाएंगे। सोमनाथ का ये त्रिवेणी महासंगम है। त्रिवेणी महासंगम तीन बड़ी नदियों का संगम है। ये तीन नदियां सरस्वती, कपिल और हीरेन नदी हैं। त्रिवेणी महासंगम बहुत अद्भुत है। आपके मेन बेस पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफी छतरियां बनी हुई है इस घाट के ऊपर और बोटिंग करने वाले बोटिंग करते हैं और वैसे ही बोटिंग करने के लिए लोग जाते हैं। तो ये त्रिवेणी तक एक्चुअल त्रिवेणी ये बोट दिखा के लाती है, जिसके कुछ चार्जेज हैं। और लेकिन पूरी कंप्लीट त्रिवेणी संगम का दर्शन करेंगे और गहरे में जाकर आपको त्रिवेणी का वो पॉइंट बताएंगे जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं। 30 रुपीज ईच बोटिंग के चार्जेस थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम सरस्वती, कपिल और हीरेन नदियों के महासंगम को वहीं पर जाके देखें नज़दीक से। अतः हमने दर्शन किए। हीरेन नदी वही नदी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने समाधि ली थी, यहाँ से जस्ट 8-7 किलोमीटर की दूरी पर। भालका तीर्थ में है। ये भालका तीर्थ वही सोमनाथ में वैरावल में ही है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आने वालों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। इस स्थान पर एक पेड़ भी है जो करीब 5000 साल पुराना है और अभी तक हरा भरा है। यहाँ आने वाले लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद यादव कुल मद में आ गए और आपस में लड़ने लगे। इसी कलह से परेशान होकर श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर के करीब 7 किलोमीटर दूर वैरावल की इस जगह पर विश्राम करने आ गए। ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे, तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि वह किसी मृग की आंख है और बस उसी ओर तीर छोड़ दिया जो सीधे श्री कृष्ण के बाएं पैर में जा धसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर भगवान से माफी मांगने लगा। भील जरा को समझाते हुए कृष्ण ने कहा कि क्यों व्यर्थी विलाप कर रहे हो, जो भी हुआ वो नियति है।
बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंचतत्व में ही विलीन हो गए। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं। यह जगह दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। भगवान कृष्ण ने 119 वर्ष की आयु में देह छोड़ी थी, तभी से कलयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। त्रिवेणी महासंगम भालका तीर्थ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पैर में, बाएं पैर में तीर लगा था, उस जगह को हम अब प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को झूला झुलाते हुए और छत पर जाकर इस विहंगम दृश्य को देखने के उपरांत हम जल्द ही माधवपुर के लिए निकल रहे हैं। माधवपुर एक ऐसी जगह है जहां से भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा नाता है। ये सी बीचेज, यहां एक लंबी दूरी तक सी बीचेज फैली हुई है, लेकिन मानसून सीजन में इन सी बीचेज में काफ़ी करंट होता है। और ये जूनागढ़ सोमनाथ के नारियल के उपवनों के बीच होते हुए ये हाईवे हमें माधवपुर के बीच तक पहले लेके जाएगा, और जल्द ही हम माधवपुर की बीचों में पहुंचने वाले हैं। समय कम होने की वजह से हम इन उपवनों में नहीं होल्ड कर पाए, और ये माधवपुर की बीच जो हमारे ठीक लेफ्ट में दिखाई दे रही हैं, 12 किलोमीटर लंबी है बीच, और अब हम यहाँ लुत्फ उठाने लगे। ये देखिए एक बहुत ही गहरी लहर जिसमें हम सभी लगभग वॉश आउट होने वाले थे, लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम सब बच गए। इसमें हम तीनों के अलावा और कोई भी इस बीच पर हिम्मत नहीं कर रहा कि हम किसी भी लहर का सामना करें, लेकिन यहाँ की गहराई एकदम से ज़्यादा होने के कारण हम भी काफ़ी प्रिकॉशन से यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और लहर का पानी, वेव्स का पानी इतनी ताकत से आता है और वापस जाता है कि कोई भी इसमें वॉश आउट हो सकता है, गहरे पानी तक जा सकता है, और फिर यहाँ एक जिंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए हमें हैवी करंट्स में समुद्र में जाना कभी भी खतरनाक हो सकता है। ये हमारी दौड़, और अब हमें इतना भय लगा कि एक हैवी लहर, एक हैवी वेव करंट को देखकर मैं अति शीघ्रता से फुल ताकत से दौड़ा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ गिरा, कुछ नहीं कर पाया, एक काफी रिस्क अपने बल पर उठाते हुए। इंजॉय करने के तुरंत बाद अभी हम माधवपुर की तरफ निकल पड़े हैं। यह एक छोटा व कल्चरली सिग्निफिकेंट विलेज है। रुक्मिणी को किडनैप करने के बाद इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी रचाई थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में देखने को मिलता है कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच की प्रेम कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में पुरोहित जी ने श्री कृष्ण के गुण व व्यवहार का अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी ने जब यह तस्वीर देखी तो वह भाव विभोर हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके विवाह में कठिनाई ये थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और कुछ उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे।
जब हमें रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मणी जी संकट में है। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मणी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मणी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मिणी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ा था। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मध्य यह युद्ध हुआ था जिसमें कृष्ण विजयी हुए और रुक्मिणी का काफी चीप है, बड़ा बड़ा नारियल 30-40-50 रुपए तक आराम से अवेलेबल है उन नारियल के बाद ही बाद।